इसमें चीनी डाल दें, चीनी डाल दें, दिखाए ना है, आप ले लीजिए है ना ऊपर। आपने लाल गाजर का हलवा तो खूब खाया होगा, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं ये देखिए काली गाजर का हलवा। और इसका हलवा बहुत ही बेहतरीन बनता है और खाने में बहुत गाजर मस्त रहती है, बहुत टेस्टी रहती है, उससे बहुत बढ़िया गाजर रहती है, खाने में बहुत टेस्टी है। ये कद्दूकस है, इसमें देखिए एक खाना है, दो खाने हैं और तीन खाने हैं, तो इस वाले खाने से हम खरीदते हैं कम से कम 2.5 mm का इसका जो है छेद है, इससे घिसते हैं, तो इसको देखिए यूं घिसते हैं, देखिए यूं इसको घिस लिया। ये कम से कम नहीं 1 किलो गाजर है, काली गाजर प्योर भैंस का दूध है, और इस दूध में हमने एक काली गाजर पकाने के लिए डाल दिया। देखिए ये काली गाजर मैंने दूध में डाल दिया है पकने के लिए, ये देखिए खाओगे तो एकदम मस्त मजा आएगा। गैस थोड़ा तेज कर दिया है ये, और इसको 1 किलो दूध में आपको पकाना है, 1 किलो गाजर को 1 किलो दूध में पकाना है। ये ड्राई फ्रूट है क्योंकि इसको भिगाना नहीं पड़ता है, ड्राई फ्रूट अगर हम बादाम काजू पिस्ता और किशमिश इसमें डाल देते हैं तो एकदम बहुत मक्खन की तरह हो जाएगी, उबलते समय भी बहुत मस्त हो जाएगी। दूध में पकाते समय मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है, ये देखिए ठीक है। और इसमें हमने ये इलायची का पाउडर बना लिया है, इसको चीनी से नहीं बनाने जा रहे हैं, ये शुगर फ्री वालों के लिए बना रहे हैं क्योंकि शुगर फ्री वाले भी लोग खा सकें। तो इसमें हमने देखिए इलायची है, ये इस इलायची का मैंने थोड़ी सी शुगर फ्री ली है, और शुगर फ्री लेने के बाद इसको मैंने पीस दिया है, ये देखिए ये भी इलायची इसी में मैं डाल देता हूँ, ये अब इसको गाढ़ा होने देते हैं, ये देखिए बहुत ही जानदार बनेगा। ये गाय का देसी घी है, वो 1 किलो मैंने गाजर ली थी और 1 किलो भैंस का दूध लिया है, उसमें बॉईल कर रहे हैं, और उसमें लगभग काजू बादाम पिस्ता किशमिश मिला के 100 ग्राम ड्राई फ्रूट मैंने डाला है, 10 ग्राम लगभग मैंने इलायची पीस के पाउडर इसके अंदर डाल दिया है, और इसमें हमने गाय के घी डालने हैं लगभग 50 ग्राम, ये देखिए निकल भाई ये घी डाल दिया है। ठंडी का मौसम है और यही सीजन रहता है काली गाजर बनाने का, बार बार ये नहीं मिलती है, तो हमने कहा कि आज बहुत दिन से रेसिपी नहीं बनाई थी, तो आज हमने कहा कि कुछ ना कुछ अपने लिए बनाता हूँ खाने के लिए, लेकिन खाएंगे भी बनाएंगे भी और सिखाएंगे भी। तो ये देखिए ये पूरा अभी देखिए कितना मस्त बनेगा हलवा, काली गाजर दूध में उबल रही है, इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं खोआ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो गाजर का टेस्ट नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से मैंने इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई खोया नहीं डाली, खोया मलाई कुछ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूध ना है 1 किलो दूध में लगभग कम से कम 230 या 250 ग्राम मावा ऑटोमेटिक इसके अंदर गाजर के अंदर प्रवेश हो जाएगा, तो ऊपर से खोआ डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखिए जो दिख रहा है काला काला ये सब मलाई है, मलाई जो है ये अभी देखिएगा कैसा बनता है मस्त एकदम। ड्राई फ्रूट भी इसके फूलने लगे हैं, देखिए गुब्बारे की तरह काजू बादाम भी फूलने लगे हैं, ये देखिए उसको छुपर आ गए हैं, तो ये ड्राई फ्रूट भी फूलने लगे ये, क्योंकि जब रेसिपी नहीं बताते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार आप रेसिपी बताइए, चाट किंग करते रहते हो, लेकिन चाट का कोई बताते नहीं हो, तो इतना नहीं समय रहता है, जब भी मुझे समय मिलता है तो कुछ ना कुछ आपको जो बताते रहेंगे, ये देखिए बस
इसको पकाने में लगभग 1 किलो गाजर है, लगभग पकाने में इसको आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि ये दूध उबलते उबलते सब मावा बन जाएगा इसके अंदर। अभी देखिए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, अभी 20 मिनट इसको और सूखा करने तक का इसको पकाना पड़ेगा। अभी पूरा जो इसका दूध जो है पूरा जल जाएगा, गाजर भी पक जाएगी और दूध भी पूरा जल जाएगा, एकदम प्योर मावा हो जाएगा। ये सब मलाई है, ये देखिए ये चपक नहीं, काली काली देख रही, ये सब मलाई है। ये देखिए आवाज कैसी आ रही, नहीं घर में बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेगी, सुगंध देख लेंगे तबीयत मस्त हो जाएगी, है ना। समय कट नहीं रहा है, ये उबल रहा है तो इधर जवान भी मचल रही है खाने वालों की। और इसको जिनको घर में शुगर है तो शुगर आराम से बना सकते हैं। और इसको क्या करेंगे हम, प्लीज इसमें चीनी यूज नहीं करेंगे बिल्कुल। तो फिर क्या यूज करोगे? इसमें हम यूज करेंगे छोटी जो मधुमक्खी होती ना उसका शहद यूज करेंगे। अच्छा हाँ, और विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि उबलते समय में हम शहद नहीं डालेंगे, जब ये उतर जाएगा पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें हम छोटी मधुमक्खी का शहद यूज करेंगे। ये देखिए अभी, ये देखिए अभी गाढ़े होने को है, ये देखिए खाएंगे तो तबीयत मस्त हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, ये देखिए ये ऑप्शन दोनों है, चाहे तो चीनी का खाओ, अगर शुगर फ्री चाहिए तो भैया ठंडा हो जाए शहद डालो, लो 4 चम्मच गर्माहट आ जाएगी एकदम, है काली गाजर का हनी वाला हलवा, हनी वाला हनी शहद वाला हलवा। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखिए मालूम नहीं पड़ा सब काजू बादाम पिस्ता कहाँ गया सर, इसी में जो है खुल गया। अभी इसको जो है ये बुलबुले कम हो जाएंगे, एकदम सूखा हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। ऊपर से काट के बढ़िया सा पिस्ता डाल दो, हमारे पास पिस्ता तो है नहीं है, ऊपर से पिस्ता भी डाल देना, और जब ठंडा हो जाए तो पिस्ता की जगह फिर केसर भी डाल दो, केसर बढ़िया से कश्मीरी केसर आती बढ़िया एकदम लल्लन टाइप डाल दो एक डिब्बी, ठंडी में एकदम आ जाएगी गर्माहट। ये देखिए अब ये बुलबुले धीरे धीरे सोख रहा सब, देखिए खाएंगे तो और मजा आएगा। ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, पहले बात किसी हलवाई के पास मिलेगा नहीं, हर कोई रखता नहीं काली गाजर, आ गई थी काली गाजर देख लिया तो हमने कहा चलो आज हर वही बना डालते हैं इसको। ये देखिए ये पूरा सा हलवा रेडी हो गया, ये तो अब कंप्लीट होने को है। तो ये पक गया है हलवा, ये देखिए अब गैस दिया बंद कर, ठीक है ये देखिए ये पूरा हलवा पूरा पक गया है, इसको अब ठंडा करना है, कढ़ाई से एकदम ठंडा करना है। ये देखिए ये अगर 100 पीस करना है तो इसके ऊपर लोग क्या करते हैं मार और घिस देंगे डेकोरेट करने, तो डेकोरेशन हमको नहीं करना है, हमको घर पे खाना है। और इसमें हमने थोड़ा सा शहद डालेंगे, देखिए मिलाएंगे, हमारा गाजर थोड़ा ठंडा हो गया, बस 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 बस
अब देखना इसको खा के देखें, ठंडा हो गया। सुपर हिट। तो ये कुत्ते के ऊपर पैर पड़ गया था तो कुत्ता बोला पे इसमें चीनी डाल दें, चीनी डाल दें, दिखाए ना है आपने लिए है ना ऊपर थोड़ी चीनी लिया जब इसमें चीनी डाल देंगे दिखाएंगे। एक चम्मच ले आए चीनी? नहीं नहीं इसमें लिया।